हम इंटर एलेलिक जीन की स्टडी कर रहे थे और हम प्रीवियस वीडियो में जो स्टडी कर चुके हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन एंड एपिस्टेटिक जीन। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन है उसका रेशियो आया था 9:7 एंड जो सप्लीमेंट्री जीन था उसका आया था 9:3:4 एंड एपिस्टेटिक जीन का जो रेशियो आया था वो था हमारा 12:3:1 जो कि मेंडेलियन का जो इनहेरिटेंस पैटर्न था डायहाइब्रिड क्रॉस में वो था 9:3:1। ये सारे जो इंटर एलेलिक इंट्रैक्शन है ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जो रेशियो हैं इनसे अलग हैं। अब हम कुछ और इंटर एलेलिक इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। एक आता है पॉलीमरिक और एडिटिव जीन। इस जीन में क्या होता है कि जो हमारे जीन होते हैं और उसके जो एलील होते हैं वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करते हैं, मींस एडिटिव। इसमें क्या होता है कि जो जीन होते हैं वो नॉन एलीलिक जीन होते हैं और ये जो नॉन एलीलिक जीन होते हैं उनका फिनोटिपिक इफेक्ट सेम होता है। जब वो अलग अलग होते हैं उनका फिनोटिपिक इफेक्ट सेम होता है, बट जब वो कम्बिनेशन में आते हैं तो उनका इफेक्ट एड हो जाता है, मीन्स क्यूमुलेट हो जाता है। और हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कुकुरबिटा पेपो होता है स्मॉल स्क्वैश, इसमें तीन टाइप के फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक होती स्फेरिकल से फ्रूट, एक सिलेंड्रिकल और एक डिस्क से, ठीक है। और ये जो फैक्टर है, जो करैक्टर है, इनको दो जीन डिटरमाइन करते हैं और ये दो जीन पॉलीमरिक इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं। और कौन सी पॉलीमरिक इनहेरिटेंस? एडिटिव, ठीक है। जो हमारा कुकुरबिटो पेपो होता है उसमें जो दो जीन होते हैं उसमें एक जीन होता है कैपिटल और एक होता है स्मॉल, मींस डोमिनेंट एंड रिसेसिव। हेयर आल्सो रिसेसिव एंड डोमिनेंट व्हेन दे प्रेजेंट इंडिविजुअली इन पेरेंट्स दे शो स्फेरिकल से, बट व्हेन दे कंबाइन दे शो डिस्कोडियल से। जो हमारा F1 हाइब्रिड आएगा वो डिस्कोडियल सेफ होगा। और जब हम F1 की सेल्फिंग करवाएंगे तो हमको ये गैमेट मिलेंगे, ठीक है, और ये इंडिविजुअल मिलेंगे। बट जब दोनों करैक्टर मीन्स इससे S1 कैपिटल एंड इससे S2 कैपिटल कंबाइन होंगे तो डिस्कोडियल सेफ होगी। तो हमारे पास इसकी एक डिस्कोडियल सेफ होगी, सेकेंड इसकी होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमको 9 डिस्कोडियल सेफ के फ्रूट मिले और स्पेरिकल। अब हम स्पेरिकल देखते हैं, जिसमें एक भी कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वो होगा स्पेरिकल इन सेफ, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 and 6 मींस 6 होंगे स्पेरिकल एंड 1 इज सिलेंड्रिकल। जिसमें कोई भी करैक्टर डोमिनेंट नहीं होगा वो होगा हमारा सिलेंड्रिकल, ओके। सेकेंड टाइप है इनहिबिटरी और सप्रेसर जीन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जीन की एलील होती हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, बट उनका कोई फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं है। बट ये क्या करती हैं कि जो अदर जीन होता है और उसके एलील को, उसके इफेक्ट को सप्रेस करती है, इनहिबिट करती हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम व्हाइट लेगहॉर्न और एंड व्हाइट प्लेमाउथ रॉक्स। ये दो फॉल की वैरायटी हैं और इनमें जो इनका फीडर कलर होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें क्या किया गया कि जो दो जीन थे, एक आई एंड सी, ये दो डिफरेंट क्रोमोजोम पर प्रेजेंट थे, ठीक है। और जो व्हाइट कलर शो हो रहा था, एक व्हाइट लेगहॉर्न और एक व्हाइट प्लेमाउथ रॉक्स के बीच में एक्सपेरिमेंट किया गया
और उसमें क्या किया, जो हमको F1 हाइब्रिड मिला वो वाइट इन कलर था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो आई करेक्टर है इनका, ये इनहिबिटरी जिन है, ये सप्रेस कर रहे हैं सी करेक्टर के, सी जिन के करेक्टर को, मीन्स इसके फिनोटिपिक इफेक्ट को भी सप्रेस कर रहे हैं जो आई करेक्टर है, जो आई एलील है वो। हमने F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग करवाई और हमको क्या ऑब्टेन हुआ कि जो जिसमें आई का डोमिनेंट करेक्टर प्रेजेंट है वहां पर ओनली व्हाइट कलर ही ऑब्टेन हुआ। मींस हमको यहाँ पर व्हाइट कलर, यहाँ पर भी व्हाइट कलर, यहाँ पर व्हाइट कलर, यहाँ भी व्हाइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12, और एक जो हमारा रिसेसिव करेक्टर है ये 12 एंड 13, 13 तो व्हाइट कलर के आए और 1, 2, 3 और 3 आए कलर फिदर के। मींस जो हमारा सी जीन है इसका इसका फिनोटिपिक इफेक्ट कलर है, बट इन प्रेजेंस ऑफ आई ये अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पा रहा, ठीक है। वाइट रेशो कलर, दिस इज कलर, दिस इज कलर, दिस इज कलर एंड दिस इज वाइट, मीन्स 3 कलर। किस फॉर्म में हमको कलर ऑब्टेन हो रहे हैं, जब आई करेक्टर रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है एंड सी करेक्टर इन डोमिनेंट फॉर्म, आइदर दिस, आइदर दिस एंड दिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डुप्लीकेट जीन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट जीन जो डिफरेंट क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होते हैं वो सेम इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। आइदर जो ये हमारे डोमिनेंट करेक्टर हैं सी एंड डी, ये इंडिविजुअल भी प्रेजेंट होंगे तो भी सेम इफेक्ट को ही शो करेंगे, और जो ये टुगेदर प्रेजेंट होंगे तो भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो हम एक क्रॉस करवाते हैं, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कैप्सुला बर्सा का, हम जो एग्जांपल लेते हैं कैप्सुला, कैप्सुला बर्सा, इसमें क्या होता है कि जो सीड पॉड है उसकी जो शेप है उसकी टू टाइप की शेप होती है, एक तो होती है ट्राइंगुलर, एक होती है ओवल, ठीक है। जो इसमें दो नो इंटर एलिलिक जीन मीन्स नॉन एलिलिक जीन ये जो सीड की शेप को डिटरमाइन करते हैं, एक हो गया हमारा सी और एक हो गया डी जो कि इंटर एलिलिक है, ठीक है। और जो ओवल है उसमें दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और F1 हाइब्रिड में हमको ट्राइंगुलर पॉड की शेप मिली, ठीक है। इनकी सेल्फिंग करवाएंगे तो हमको क्या ऑब्टेन होगा, जहां पर भी ये दोनों करेक्टर मींस एक भी डोमिनेंट करेक्टर प्रेजेंट है वहां पर ट्रायंगुलर शेप की पॉड हमको ऑब्टेन होगी। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मीन्स 15 तो हमको ट्रायंगुलर शेप के पॉड मिले, और एक जो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है वो हमको मिला ओवल शेप, ठीक है। इसका रेशियो हो गया 15:1 ट्रायंगुलर रेशियो ओवल पॉड की शेप, पॉड शेप मीन्स जहां पर एक भी करैक्टर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा वहां पर ट्रायंगुलर शेप का फिनोटिपिक इफेक्ट मिलेगा, और जहां पर
All allele are in recessive home where all safe is obtained. Okay. लिथल जीन आर दो जीन, ये वो जीन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की डेथ को कोज करते हैं. ठीक है. और इस फिनोमिना को लिथेलिटी कहा जाता है. लिथेलिटी दैट काज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट काज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमिना इज कॉल लिथेलिटी. लिथेलिटी. और इसमें भी टू टाइप के लिथल जीन होते हैं, एक तो डोमिनेंट लिथल जीन और एक रिसेसिव लिथल जीन. जो डोमिनेंट लिथल जीन होते हैं वो ऑर्गेनिज्म की डेथ कोज करते हैं, इवन इट इज प्रेजेंट इन हेटरोजाइगस कंडीशन. बट जो रिसेसिव लिथल जीन होते हैं दैट काज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर प्रेजेंट ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है. मीन्स ओनली जब होमोजाइगस होंगे तभी लिथेलिटी शो करेंगे, बट इन हेटरोजाइगस कंडीशन जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन होगा वो इसके इफेक्ट को मास्क करेगा. ठीक है. लिथल जीन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है एब्सोल्यूट लिथल, एब्सोल्यूट लिथल लिथेलिटी. इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रीनेटल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डाई हो जाता है. ठीक है. और सेकंड होता है सेमी लिथल, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी ही डाई हो जाता है. और थर्ड होता है डिले लिथल, डिले. और इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इसकी डेथ होती है. ठीक है. इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि माइस का है, माउस का, जो कि माउस का है. और माउस टू टाइप की फर कॉन्टेन करता है, एक येलो एंड ब्लैक. ठीक है. हम येलो को कैपिटल वाई से और ब्लैक को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसमें क्या होता है जब हम पेरेंट्स की जो कि हेटरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, हेटरोजाइगस येलो फर एंड हेटरोजाइगस येलो फर मेल एंड फीमेल का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमको जो F1 में हमको हेटरोजाइगस ही मिलेगा. मीन्स हम F1 की जो क्रॉस करवा रहे हैं, हमारे पास ये F1 इंडिविजुअल है. जो हमको F2 ऑब्टेन होगा वो होगा हमारी होगी YY एक पेरेंट से गैमेट और YY सेकेंड पेरेंट से गैमेट. ठीक है. Y एंड Y. When dominant character is present, it show yellow color. और रिसेसिव करैक्टर इज प्रेजेंट, इट्स शो ब्लैक कलर. एंड डोमिनेंट करैक्टर इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, दैट इज लिथल. ये ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा. ठीक है. और जो हमको रेशियो ऑब्टेन होगा वो होगा लिथल, लिथल जीन रेशियो टू. हमको येलो फर के माउस ऑब्टेन होंगे और एक होगा ब्लैक, मीन्स 2:1. ठीक है. ये लिथल जीन क्या कर रहा है, जो हमको मेंडेलियन के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन ऑब्टेन हुई थी उसका रेशियो था 3:1 और इसमें हमको ऑब्टेन हो रहा है 2:1. मीन्स यहाँ पर जो मेंडेलियन का रेशियो आया था वो डिस्टर्ब हो रहा है. ठीक है.
जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है या क्वांटिटेटिव और मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ करेक्टर मीन सीरीज ऑफ ट्रेड इज ऑब्टेन, ठीक है, जो कि हमारा क्वांटिटेटिव होता है और जो क्वालिटेटिव होता है मीन सेकंड टाइप का, उसमें क्या होता है, इसमें फिनोटिपिक जो करेक्टर होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, मीन्स जैसे कि हमने कोई हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन हाइट का कलर ले लिया और हम एक क्लास में ऑल स्टूडेंट की हाइट देखते हैं तो उनकी हाइट डिफरेंट है, ऐसा तो नहीं है कि एक की हाइट लॉन्ग है और एक की शॉर्ट है, दो टाइप की हाइट तो नहीं मिलती, हाइट में बहुत सारे करेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम स्किन का कलर लेते हैं तो स्किन कलर में भी बहुत सी वेरिएशन मिल रही हैं, ठीक है। जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है इसके कुछ करैक्टर हैं, करैक्टर ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस जो फर्स्ट करैक्टर है ये क्या कहता है कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वो टू और मोर पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, क्या कहते हैं, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस मीन्स एक करैक्टर को एक से ज़्यादा जीन या फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। सेकंड क्या होता है, जैसे उसमें कोई डोमिनेंट फैक्टर है और जैसे डोमिनेंट फैक्टर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, दे सो एडिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है, और थर्ड क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इस टाइप के इनहेरिटेंस में एक सीरीज ऑफ फिनोटाइप करैक्टर की ऑब्टेन होगी, ठीक है, और जो हमको फिनोटाइप ऑब्टेन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने डोमिनेंट करैक्टर प्रेजेंट है, डिपेंड ऑन डोमिनेंट करैक्टर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक जो स्किन कलर को डिफाइन करता है और इसके मीन्स थ्री करैक्टर हैं, ठीक है, एक हमने ले लिया डोमिनेंट जिसमें ऑल एलील आर डोमिनेंट एंड सेकंड ले लिया हमने रिसेसिव जिसमें सारी एलील रिसेसिव हैं, जो ये होते हैं क्यूकेशियन वाइट होते हैं क्यूकेशियन और ये वाइट होते हैं और ये होते हैं निग्रो जिसमें सारे करैक्टर कैपिटल हैं और इसको कहेंगे ब्लैक। जो हम F1 हाइब्रिड ऑब्टेन करेंगे वो होगा, हमें यहाँ से ABC तीन एलील मिली और यहाँ से जो गैमेट मिलेगी ये होगी, और जो F1 हाइब्रिड होगा वो होगा इंटरमीडिएट कलर का। अब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे F2 जनरेशन, ठीक है, और जो हमको कितने गैमेट मिलेंगे, 8 गैमेट। देखो कैसे मिलेंगे, ABC, ठीक है, स्मॉल सी जी कैपिटल। अगला मिलेगा हमको ए स्मॉल बी एंड सी, अगला मिलेगा ए बी और सी, ABC और अगला मिलेगा स्मॉल ए बी एंड सी small b and c और a b
सी और ए बी सी, ए स्मॉल। इनसे हमें कितने इंडिविजुअल मिलेंगे? 64। ठीक है, ये सेम इधर एंड क्रॉस करवाएंगे तो जो हमको रेशियो ऑब्टेन होगा, जो फिनोटाइप ऑब्टेन होगा वो होगा फिनोटाइप्स। फर्स्ट होगा जिसमें सारे कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे वो होगा निग्रो और क्या होगा ब्लैक, जिसका रेशियो कितना होगा 1। ठीक है, जो डार्क होगा जिसमें एक कैरेक्टर रिसेसिव होगा, उसके बाद हमको मिलेगा डार्क और इसका रेशियो होगा 6। मीन्स जो हमको इंडिविजुअल मिलेगा वो हो सकता है देखो ए ए बी बी सी एंड सी। ठीक है, मीन्स कोई भी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर रिसेसिव फॉर्म में। ठीक है, सी सी ऐसे कोई भी हो सकता है। ठीक है, उससे अगला होगा जो हमको फेयरली डार्क मिलेंगे उनका होगा डार्क 15 इन नंबर। ठीक है, और इसके इसमें दो करेक्टर रिसेसिव होंगे, जैसे कि ए ए बी बी एंड सी सी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी जो इंडिविजुअल मिलेगा इस टाइप के जीनोटाइप का वो फेयरली डार्क कलर देगा। उसके बाद आएगा मल्टोस, और जिनका नंबर होगा 20। ठीक है, इनका होगा 20। और इसमें इसमें हमारे तीन करेक्टर रिसेसिव होंगे और तीन होंगे डोमिनेंट, जैसे ए ए बी बी एंड सी सी। ठीक है, और उसके बाद आएगा फेयरली लाइट, फेयरली लाइट, और जिनका रेशियो होगा 15। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें हमारे दो करेक्टर डोमिनेंट होंगे और फोर करेक्टर रिसेसिव। ठीक है, उसके बाद आएगा लाइट, और जिनका रेशियो होगा 6। इसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, मीन्स कोई भी एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। और उसके बाद आएगा एक हमारे पास कुशे कुशे कोकेशियन। ठीक है, और जिसका रेशियो होगा 1। मीन्स इसमें एक भी कैरेक्टर डोमिनेंट का नहीं होगा, हमारे पास जो फिनोटाइप जीनोटाइप आएगा वो होगा ए ए बी बी एंड सी सी। ठीक है, जो स्किन कलर होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो हमारे स्किन कलर को डिटरमाइन करता है। यदि मेलानिन पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है तो हमको डार्क कलर ऑब्टेन होगा, और यदि मेलानिन पिगमेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमको लाइट कलर ऑब्टेन होगा। प्लियोट्रोपिक जीन क्या होते हैं कि इसमें जो एक जीन होता है वो मोर देन वन फिनोटिपिक करेक्टर को अफेक्ट करता है। ठीक है, अफेक्ट ए सिंगल जीन मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी। जो एक प्लियोट्रोपिक जीन होता है उसके जो इफेक्ट होते हैं मल्टीपल इफेक्ट, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। जो फिनोटाइप ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है उसको मेजर इफेक्ट बोलते हैं, और जिस इफेक्ट को कम एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम माइनर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है हाउस रेट का लेते हैं, उसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर होता है डी डब्ल्यू, वो ड्वार्फनेस के लिए एक कैरेक्टर होता है। ये और किसको इफेक्ट करता है? जो हमारी रेट की जो पैनक्रियाज है उसकी इसेनोफिल सेल्स की डेवलपमेंट में भी अफेक्ट करता है। ठीक है, और ह्यूमन में हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जो एक सिकल सेल एनीमिया होती है, सिकल सेल एनीमिया एनीमिया एनीमिया
ये एक रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है। इसमें क्या होता है, टू टाइप के हमारे जीन होते हैं, HBA एंड HBS। ठीक है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा उसका जीन होगा HBA, एंड जो डिजीज का जीन होगा उसके होगा HBS एंड HBA। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया जिसमें भी डिजीज होती है उनकी RBC की सेफ चेंज हो जाती है। ठीक है, और सेफ चेंज होने से ये ऑक्सीजन डिफिशियंट हो जाते हैं। और इस डिजीज को काज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जीन होता है जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसाइज करता है उसमें यदि कोई डिफेक्ट है तो जो हमारा हीमोग्लोबिन मिलेगा बनेगा वो भी डिफेक्टिव होगा। ठीक है, जो हमारी हीमोग्लोबिन है अल्फा और बीटा टू चैन से बना होता है, जो बीटा चैन होती है उसमें जो हीमोग्लोबिन चैन होती है उसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन। ठीक है, और इसलिए इसमें जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हम एक क्रॉस करवाते हैं जिसमें हेटरोजाइगस कैरियर प्रेजेंट है, हेटरोजाइगस कैरियर दोनों ही पेरेंट्स, सेकंड भी क्या है कैरियर, तो कैरियर है तो इसके जो एलील होंगे वो होंगे HBA, HBS एंड HBA एंड HBS। जो हमको ऑब्टेन होंगे, जो हमको जनरेशन ऑब्टेन होंगे उसमें होगा एक तो नॉर्मल HBA, HBA, एक होगा हेटरोजाइगस होगा HBA और HBS। ठीक है, और एक होगा जो कंप्लीट ही सिकल सेल होगा वो होगा HBS और HBS, और ये हो जाएगा डाई। ठीक है, आफ्टर बर्थ जो एक्सपेक्टेड रेशियो, जो हमारा 3:1 आना था वहाँ पर कितना आया 2:1, जिसमें एक होगा नॉर्मल और दो होंगे कैरियर और एक हो जाएगा डाई। ठीक है।